तो नाम में क्या रखा है बात करते हैं काम की। आज की वीडियो में आपको ट्यूटोरियल देने वाला हूं वीवा वीडियो एप्लीकेशन के ऊपर। वीवा वीडियो एप्लीकेशन में वॉइस ओवर वीडियो कैसे बनाते हैं, मतलब अपनी फ़ोटोज़ के साथ अपनी ही आवाज़ रिकॉर्ड करके आप वीडियो कैसे बना पाओगे। अगर आप शायरी वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस तरह की वीडियो में, मतलब आप खुद की वॉइस रिकॉर्ड करते हैं और साथ में फ़ोटो लगाते हैं, साथ में एक बैकग्राउंड म्यूज़िक भी चलता है, उस तरह के वीडियो बनाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैं ओपन कर लेता हूँ वीवा वीडियो एप्लीकेशन को। वीवा वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे वीवा वीडियो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद जहाँ आपने एडिट वीडियो पे क्लिक करना होता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप मतलब पहुँच जाते हैं अपने मोबाइल की गैलरी में। गैलरी में से आपने फ़ोटो सेलेक्ट करने होते हैं, जहाँ ऊपर फ़ोटो पे क्लिक कर देना है। यहाँ मतलब मान लो जहाँ भी आपकी गैलरी में फ़ोटोज़ पड़े हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। आपको नहीं मिल रहे तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने मोबाइल के फ़ोल्डर को ओपन कर सकते हैं, उनमें से फ़ोटोज़ को ढूंढ सकते हैं। या मैं कुछ फ़ोटो ऐड कर लूँगा, आपको दिखा देता हूँ। ऐड करने के लिए आपने सिंपली फ़ोटोज़ के ऊपर क्लिक करना होता है। जहाँ मैंने एक पे क्लिक किया, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच के बाद जहाँ मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँगा। जितने फ़ोटो आप ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है ना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है ना। जहाँ मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटोज़ हैं जो, वो आपकी यहाँ नीचे शो होंगी, सारी की सारी फ़ोटो देख सकते हैं यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है ना, जहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी आ चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, इन फ़ोटोज़ का टाइम सेट करना है। यहाँ नीचे देखिए, अगर पहली फ़ोटो है मान लो, इसका टाइम अपने कम या ज़्यादा करना है। नीचे देखिए ड्यूरेशन लिखा हो, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसका टाइम आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने हिसाब से। कितने टाइम बाद आपका फ़ोटो चेंज हो वो जहाँ जहाँ से आप सेट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। इसी तरह से आपने सारी की सारी फ़ोटोज़ का टाइम सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ दो फोटोज़ के बीच एक छोटा सा आइकन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ मतलब इफेक्ट लगा सकते हैं किस तरह से आपका फ़ोटो चेंज हो, ठीक है ना। ये सब सेटिंग आप कर लीजिए, ओके कर दीजिए। इसी तरह से सारी फ़ोटोज़ की सेटिंग कर लीजिए। उसके बाद इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर लेते हैं। जहाँ म्यूजिक पर क्लिक करना है, म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद ऐड म्यूजिक पर क्लिक करना है। ऐड म्यूजिक पर क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन म्यूजिक आपको यहाँ पर मिलेंगे, जहाँ योर म्यूजिक होता है ऊपर। योर म्यूजिक का मतलब जो आपके मोबाइल की गैलरी में, मोबाइल की स्टोरेज में जो भी साउंड वगैरह होते हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जहाँ साउंड पे क्लिक करने के बाद, जहाँ यूज पे क्लिक करना होता है वो म्यूजिक ऐड हो जाता है। उसकी वॉल्यूम को कम कर दीजिए, जहाँ वॉल्यूम पे क्लिक करने के बाद इसको कम कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि आपकी वॉइस ज़्यादा सुने और म्यूजिक की वॉइस कम सुने। ये सब करने के बाद जहाँ इस पर क्लिक कर दीजिए। जहाँ पे क्लिक करने के बाद जहाँ देखिए ऐड वॉइस ओवर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जहाँ आप स्टार्ट जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। आपने मतलब फिर अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना होता है, आप जो भी बोलोगे आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। उसके बाद ओके कर दीजिए। बस इतना करते ही आपकी वॉइस भी ऐड हो चुकी है, म्यूजिक भी ऐड हो चुका है, फ़ोटो भी लग चुकी है। उसके बाद वीडियो को सेव करना होता है। सेव पे क्लिक करके यहाँ ऊपर सेव पे क्लिक करना होता है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करना होता है। बस इतना करते ही आपका मतलब जो वीडियो है बन के रेडी हो चुका है और आपके मोबाइल की गैलरी में सेव हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।